हेलो दोस्तों, मैं हूँ पूनम। मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम प्याज और टमाटर के पराठे में एक ऐसी हेल्दी सामग्री मिलाएंगे जिसे पराठा हम बहुत ही आसानी से बेल सकेंगे। पराठा ना तो टूटेगा और ना ही फटेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि रेसिपी आपको पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बनाना शुरू करते हैं एकदम हेल्दी तरीके से प्याज और टमाटर का पराठा। पराठे के लिए पहले डो बना लेते हैं। 2 कप गेहूं का आटा लिया है, इसमें 1 टीस्पून नमक डालेंगे, 2 टीस्पून देसी घी डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के डो बनाएंगे। रोटी के जैसा सॉफ्ट डो हमें बनाना है। इसमें मैंने 1 कप पानी डाल के डो बनाया है। कभी कभी गेहूं की क्वालिटी के हिसाब से पानी कम या ज्यादा लग सकता है, तो आप उस हिसाब से पानी डाल के डो बनाएं। 1 टीस्पून घी डाल के इसे चिकना कर लेते हैं। ढक्कन लगा के 15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। कढ़ाई में 2 टेबलस्पून तेल डालेंगे। तेल गरम हो गया है, 1 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून अजवाइन, 1/4 टीस्पून हींग, 3 हरी मिर्च बारीक काट के लिए है। जीरा को हमें लाइट ब्राउन ही भूनना है, जीरा जलना नहीं चाहिए। 2 टीस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन, 5 से 6 लहसुन की कली को बारीक काट के लेना है। 2 मीडियम साइज का प्याज बारीक काट के लिया है। मीडियम फ्लेम पे प्याज को लाइट ब्राउन होने तक भून लेते हैं। प्याज लाइट ब्राउन हो गया है, 1 टीस्पून अदरक की पेस्ट डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और 1 मिनट के लिए धीमी आंच पे इसे भी भून लेंगे। 4 मीडियम साइज का टमाटर बारीक काट के लिया है, अच्छे से मिक्स कर देते हैं। 1 टीस्पून नमक डालेंगे, या नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टमाटर सॉफ्ट हो जाए तब तक इसे कुक कर लेते हैं। इसे ढक्कन लगा के कुक नहीं करना है, नहीं तो इसमें पानी ज़्यादा छूटेगा। लो टू मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 मिनट टमाटर को कुक किया है और टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। अच्छे से कुक हो गया है टमाटर। मसाले डाल देंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून भुना जीरा पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला। अच्छे से मिक्स कर देते हैं। 1/2 टीस्पून गरम मसाला, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले डाल के 2 मिनट के लिए कुक किया है और आप देख सकते हैं टमाटर एकदम अच्छे से कुक हो गया है और इसमें मॉइस्चर भी ज़्यादा नहीं है, ये सूखा सूखा लग रहा है। इसमें हम एक हेल्दी सामग्री मिलाएंगे जिसे स्टफिंग को बाइंडिंग मिलेगी और पराठा अच्छे से हम बेल पाएंगे। पराठा ना ही टूटेगा और ना ही फटेगा। ओट्स को मिक्सर जार में डाल के एकदम बारीक पाउडर बना दिया है, ये ओट्स का पाउडर हम डालेंगे। जरूरत के हिसाब से ओट्स का पाउडर हमें डालना है। 2 टेबलस्पून मैंने ओट्स का पाउडर डाला है, अच्छे से मिक्स कर देंगे। 1 टेबलस्पून मैं और डाल रही हूँ। बेसन को भून के लिया है, ये भुना हुआ बेसन हम 2 टेबलस्पून डालेंगे, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। थोड़ी देर के लिए इसे कुक करेंगे धीमी आंच पे। आप देख सकते हैं स्टफिंग जो है वो पैन छोड़ने लगा है, ये एकदम अच्छे से ड्राई हो गया है। हरा धनिया को पानी से अच्छे से धो के इसे कपड़े पे डाल दिया था ताकि इसका पानी सूख जाए। इसके बाद इसे बारीक काट के लिया है, ये 3 से 4 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया है, अच्छे से मिक्स कर देंगे। गैस ऑफ कर देंगे। स्टफिंग को एक डिश में निकाल लेंगे और ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए तब तक इसे ठंडा कर लेते हैं। आटे को रेस्ट देते 15 मिनट हो चुकी है, इसे थोड़ा सा मसल लेंगे। मीडियम साइज की 1 लोई बनाएंगे तरह से। आटे के ऊपर ढक्कन लगा के रखेंगे,
लोई को सूखे आटे में लपेटेंगे, अंगूठा और उंगली से दबा के इसे इस तरह से किनारे से इस तरह से दबाएंगे ताकि वाटिका सेफ हो जाए। बीच में हमें मोटा रखना है, स्टफिंग रखेंगे, ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा लगा देंगे, अंगूठा और उंगली से इस तरह से ऊपर करते जाएंगे और ये दूसरे अंगूठे से इस तरह से ऊपर दबाएंगे, इस तरह से लोई बना लेंगे। सूखे आटे में इसे लपेटेंगे, हल्के हाथ से दबाएंगे ताकि स्टफिंग जो है वो अंदर अच्छे से स्प्रेड हो जाए। पराठे को एकदम हल्का हाथ से बेलना है, इस तरह से पराठा बेल लेंगे। पराठे को थोड़ा मोटा ही बेलेंगे। तवा गर्म हो गया है, पराठा डाल देंगे। पहले इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे, 35 से 40 सेकंड के बाद इसे पलट लेंगे। इस तरह से थोड़ा कुक हो जाएगा तभी इसे पलट लेना है। अभी हम इसे मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे, वापस पलट लेंगे। इस तरह से थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन डॉट्स आ जाए तभी इसे पलट लेना है। तेल लगा के इसे सेकेंगे, आप इसे घी डाल के भी बना सकते हैं। आप देख सकते हैं पराठा कितने अच्छे से पफ हो रहा है। दोनों साइड से अच्छे से तेल लगा के इसे सेक लेंगे। इस तरह से टमाटर का स्टफिंग बनाएंगे तो पराठा एकदम फुला फुला बनेगा। इस तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक हमें इसे सेकना ही निकाल लेंगे। इस तरह से बाकी का पराठा भी बना लेते हैं। गरम पराठा के ऊपर घी लगाएंगे, इसे बटर लगा के भी सर्व कर सकते हैं। प्याज और टमाटर का पराठा रेडी है। इसे मैंने हरी चटनी, दही और टोमेटो केचप के साथ सर्व किया है। ये एकदम टेस्टी और चटपटा बना है। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। रेसिपी आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। तो मिलते हैं अगले और एक नए वीडियो के साथ।